आज मेरी भूख हड़ताल का चौथा दिन है। आंख खुली तो एक लिफाफा मिला। लिफाफा राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से था। मैंने बड़े खुशी के साथ उस लिफाफे को खोला। मुझे लगा राजस्थान विश्वविद्यालय ने हमारी मांगे मान ली होगी। लेकिन जब मैंने इस लेटर को पढ़ा तो मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है कि राजस्थान विश्वविद्यालय इतना गिर सकता है। साथियों, इस लेटर में लिखा हुआ है कि अगर आपके स्वास्थ्य के साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार राजस्थान विश्वविद्यालय नहीं होगा। आप देख सकते हैं, जब एक स्टूडेंट से पैसे लेने होते हैं तो विश्वविद्यालय प्रशासन उसको बार बार नोटिस देता है, उसकी लेट फीस लगाता है। लेकिन जब स्टूडेंट्स अपने ही पैसे राजस्थान विश्वविद्यालय से मांगता है तो इस प्रकार के नोटिसेस को देता है। आप खुद बताइए, मैं यहाँ किस लिए बैठा हूँ? क्वेश्चन मनी जो अपना अधिकार है, छात्र संघ चुनाव के नाम के जो पैसे लिए वो अपना अधिकार है, मेडिकल फैसिलिटीज़ के मैंने यहाँ पैसे दिए हैं उसका भी मेरे को अधिकार है, लेकिन ऐसी कोई सुविधा विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं दे रहा। कब तक ये ऐसी बर्बरता करता रहेगा? इसने आज ये बात बोलकर अपना पल्ला झाड़ दिया। साथियों, मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ, जितने भी राजस्थान विश्वविद्यालय से पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो अपने क्वेश्चन मनी की डिमांड करें, अपने हक की लड़ाई लड़ें। अपने ही पैसे आप विश्वविद्यालय से ले रहे हैं, किसी और के पैसों की डिमांड नहीं कर रहे हैं। इस लड़ाई को मजबूती से, इतने भी नोटिस राजस्थान विश्वविद्यालय मेरे को दे दे, मैं मेरे स्वास्थ्य का स्वयं जिम्मेदार रहूंगा। लेकिन क्या यहाँ पढ़ रहे 25,000 स्टूडेंट्स को आप ये नोटिस भेज सकते हैं? मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से ये पूछना चाहूँगा। अंतिम सांस तक ये लड़ाई आपका भाई मजबूती से लड़ेगा। शुभम रिवाड़, राजस्थान विश्वविद्यालय।